हाय गाइस, सलाम को नमस्कार सभी लोग को। तो बहुत दिन से व्लॉग आ नहीं रहा था, बहुत दिन से मैं व्लॉग डाल नहीं पा रहा था, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ क्यों नहीं डाल रहा था। बेसिकली अभी भी मेरा व्लॉग व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत जल्दी मन हट जाता है, हालाँकि ये चीज़ पैसे भी देती है, शोहरत भी देती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जब ये काम करने से भी मन हट जाता है तो सोचो क्या काम करने में मन लगेगा। अब इतना बड़ा चैनल खोला है, उसको आगे बढ़ाने के लिए करना ही पड़ता है, वीडियो बनानी पड़ती है, मन बिल्कुल नहीं है। देखो साफ साफ बात है, भले आगे हो, आगे होगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं है वीडियो बनाने का और कुछ भी करने का। लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तो उस शेल्फ को तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। वही डेली व्लॉग्स आप लोग को ला के दूंगा, डेली व्लॉग्स आप लोग देखोगे क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं सब देख लोगे। एक खिचड़ी से बना के एडिट करके दिखा दूंगा, वो तुम लोग देख के बड़े खुश हो जाओगे। गाइस, तो खाना खाने के बाद सबसे बड़ी बात कि ये आप मेरे नोट के पीछे फ़ोन के पीछे नोट के पीछे फ़ोन देख रहे हो, फ़ोन के पीछे जो नोट देख रहे हो ये है 20 रुपए का नोट। मैं वॉलेट कैरी करता नहीं हूँ, मुझे सुबह कहीं से 20 रुपए मिला था तो मैंने सोचा इसको कहाँ रखूँ, जेब में रखा था तो सोफे पे गिर गया, तो मैंने उठा के इसको पीछे रख दिया, ऐसे ही रख दिया यार। सुनो, अरे मैं तो टी वी नहीं लिया, तो अभी मैंने खाना खाया है, न्यूट्री नगेट की सब्ज़ी और चावल। चावल मैंने बहुत कम लिया क्योंकि मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ और बहुत खा रहा हूँ, तो मोटापे से घटापे की तरफ एक कदम मैंने उठा दिया है चावल कम खा के। अब देखते हैं ये कब तक चलता है। वैसे अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, फिर जाऊँगा जिम, आपको भी लेके चलता हूँ, थोड़ी थोड़ी झलक दिखाता हूँ, ठीक है। गाइस, घर की तरफ से मैंने स्टार्ट किया, गाड़ी में तेल था नहीं, किसी भी तरह तरह कर करके मैं पेट्रोल पंप की तरफ तक आ गया। तो किस तरह मैं अपनी बाइक को लेके आ गया, वैसे तो कल रात से ही स्टार्ट नहीं हो रही थी बाइक, मैंने सुबह ऑन करने की कोशिश करी तो थोड़ा सा ऑन हुआ, लेकिन पेट्रोल पंप के पास ही जाके रुक गई। तो मैंने 200 रुपये का यहाँ पर तेल डलवाया और फिर मैं अब आ गया हूँ अपनी गाड़ी का हेडलाइट बनवाने के लिए। गाइस, पहले मेरी गाड़ी में दूसरा कोई हेडलाइट था, लेकिन फिर मैंने अभी ये वाला हेडलाइट लगवाया है, और जिस दिन मैं शोरूम से लगवा के आया हूँ अगले दिन ही ये नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि अब कहाँ इतनी दूर शोरूम में लेके जाएं गाड़ी, यहीं पे कुछ हो गया होगा, हिल गया होगा, वायर वायर में दिक्कत हो गई होगी। तो खैर बाद में पता चला कि भाई इसका जो बल्ब है, बल्ब भी फ्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर मैंने कहा थोड़े वायरिंग देख लीजिए नीचे चाबी अभी खोल के, तो इन्होंने चाबी अभी खोली, इसके अंदर पता नहीं क्या होता है, चिप होती है कि क्या होता है, उठा उठा के निकालते हैं। तो खैर जो भी है, इन्होंने ये भी करके देखा, इससे भी कुछ नहीं हुआ, दिक्कत इसकी वायरिंग में ही है। खैर मैं आया था शाम को दोपहर में, और फिर दोपहर से हो गई शाम, फिर नहीं हुआ, फिर मैं आ गया मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। मगरिब माशाल्लाह मेरी मस्जिद देखी कितनी अच्छी बन गई है, हमारी मस्जिद, और यहाँ पर मैंने वज़ू किया, मतलब जमात खड़ी हो चुकी थी, नमाज़ हो चुकी थी, फिर मैं लेट आया, फिर मैं बाहर निकला तो देखो यार पूरी लाइट जा चुकी थी। अच्छा लगता है, लाइट जाती है तो हमें समझ में आता है कि हम इंडिया में हैं, अपने गांव में हैं, अपने घर में हैं। तो खैर हमारे घर में तो लाइट आ रही थी क्योंकि इन्वर्टर चलता है। गाइस, हम लोग देख रहे हैं बॉम्बे, मेरी जान अविनाश भाई की है, और अविनाश को आपने बहुत सारी मूवियों में, बहुत सारी वेब सीरीज़ में देखा होगा, और स्पेशली लैला मजनू मूवी जो इन्होंने बनाई थी 2018 में, इम्तियाज़ अली के भाई ने डायरेक्ट की थी, बहुत अच्छी मूवी थी। और हम लोग इस समय बैठ के देख रहे हैं बॉम्बे मेरी जान, और बस यही सी चीज़ चल रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही है। हम सब लोग भाई लोग बैठे हुए हैं, और बैठ के हम लोग चिल कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो अच्छी है। मतलब अभी क्या बोलते हैं, कौन सा एपिसोड चल रहा है, आई थिंक 3रा एपिसोड चल रहा है, मज़ा आया। और आगे इसको पूरा देखने के बाद इसका पूरा रिव्यू बताएंगे, केके मेनन की एक्टिंग सुपर्ब है। अभी अविनाश की एंट्री तो हुई नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन ओवरऑल बेस्ट है। तो कमाल की वेब सीरीज़ देखने के बाद उसको थोड़ा सा पॉज करके मैं आ गया हूँ जिम में, घर के बगल में जिम है, रुस्तम की जिम है, अफसार की, और बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा फील आता है यहाँ पे। मैं बहुत जिम दूर जाना प्रेफर नहीं करता कि मैं उतने दूर जाऊँ और वर्कआउट ना करूँ, नाटक करके फ़ोटो खिंचा के भाग जाऊँ, घर के बगल में एकदम ईजी टू गो है,
आराम से करो और भाग के आ जाओ घर में, और कुछ काम भी होता है तो मैं वर्कआउट करते करते भी करके आ जाता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। खैर अगले दिन में स्वागत है। हाय गाइस, अगले दिन में स्वागत है आपका। वही वही मेरा 20 रुपये का नोट। और अभी बाहर थोड़ा सा सजाया जा रहा है। किस चीज़ का सजाया जा रहा है मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ लोगों ने गली सजा रहे हैं। आई थिंक 4-5 बार मेरी गली सज चुकी है कुछ बीते सालों में। ये है मेरा घर। मेरा घर एक्चुअली गाइस बहुत अंदर था नहीं पहले। ये घर बनते गए तब हम लोग को बाद में पता चला कि हम लोगों ने बहुत अंदर ज़मीन ले ली है। लेकिन जब ज़मीन ली थी तब उतना पता नहीं था। ज़मीन तो ऐसे ली थी जब हम लोग, ये वो वाली ज़मीन है जो हम लोग नहीं अपना पैसा सेव करने के बाद कहीं दूर आउटर में ले लेते हैं कि यहाँ बेच के खाएंगे, वहीं पर घर बना के हम लोग रह रहे हैं। जो देखी मोहब्बत की हाय 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 हाय, सब साफ करना है हमें, जिंदगी में नहीं करूंगा। तो है 12 रबीउल, बताऊंगा इसके बारे में क्या है। एक दिन भी ऐसा न गया तुम पर मरता हूँ मैं सच कहता हूँ। हाँ मतलब और व्लॉग बनाता लेकिन अजान होने लगी थी और मैं शायद गलत समय पे आ गया था। लेकिन मैंने जल्दी 15 मिनट में सारी वीडियोस बनाई, आई थिंक 20 मिनट में सारी वीडियोस बनाई और अब मैं पतली गली से निकल रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत थी यार। धूप पूरी मुंह पे पड़ रही थी और मैं निकल रहा था। तो खैर गाइस, जब मैं तौलिया और पानी का बोतल ले गया था, ये मैं आया हूँ गोश्त लेने। पहले मैं चिकन लेने आया था, फिर मैंने सोचा कि चलो बकरे, ये मेरी स्कूटी है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज बकरे का गोश्त लेके चलते हैं। तो मैं बकरे का गोश्त लेके आया हूँ, उसको अभी बनवाऊंगा। और फिर मुझे पता चला कि कुछ सब्जियां वब्जियाँ भी लेनी है। फिर मैं आगे देखा कि चलो यार इसको पहले जाकर दे देते हैं घर में, फिर जाकर लेते हैं सब्जियां। और ये देखो गली पूरी सजी हुई है। आज रात में मैं इसकी पूरा शूट करके दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है, फाइनल लुक कैसा रहा। लेकिन पता नहीं लोग क्या 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 बजा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे बिल्कुल भी। रात में मैं बजवाऊँगा अपने मन की। तो मैं निकल गया गाइस सब्जी लेने के लिए। सब्जी लेने में प्याज लेना था, अदरक लेना था, लहसुन लेना था, मिर्चा लेना था। धीरे धीरे मैंने को कॉल किया तो और भी चीज़ें लेनी थी। मैंने भिंडी उंडी भी ली। अदरक लहसुन चाहिए हमको और हमें भिंडी चाहिए, आधा किलो भिंडी दे दीजिए। चालीस है, 50 है, पहले दे दीजिए अंकल दर्जन। तो इसी के साथ गाइस यहाँ का व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी बन रहा है खाना, अब मैं जाऊँगा नहाऊँगा धोऊँगा उसके बाद मैं खाऊँगा खाना। अभी बज रहे हैं 12 या जो भी। तो कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। जितना भी थोड़ा मोड़ा आई थिंक ये 8 मिनट की या 9 मिनट की वीडियो बनी होगी। कल से मैं कोशिश करूँगा कि 16 मिनट की वीडियो बने, 15 मिनट की वीडियो बने, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा। इसलिए अभी मेरा पीछा छोड़ो, अभी मैं जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।